सोशी में 50 लिखा है। क्या लिखा हुआ है मेरी बहन? 50 लिखा है ना, कंटोमेट की है पर्ची। संभाल लीजिए, रख लीजिए, पर हमें ना बताइए। 30 रुपए दे हमें। बड़ी बात है बाजी आपकी। बस आपकी ही बड़ी बात है भाई, पकड़ ले। नहीं पर्स में होंगे। चल रही है जो पार्किंग वो ही लूंगा। पार्किंग 30 रुपए चल रही है भाई, पूरी जगह 30 रुपए चल रही है। कौन पागल का बच्चा 30 रुपए चला रहा है? आपके दो आपके लोग ही पागल के बच्चे जो 30 रुपए चला रहे हैं। ठेका भरता हूँ इधर का। जो भी ठेका भरते हो है ही 30 रुपए, इसलिए मुझसे बहस नहीं करे। मैंने इसलिए बोला मुझे पर्ची ना देखा। बोला ये मेरे, देखो भाजी मेरे को पैसे दे दो बस। हाँ खत्म बात, हम भी आपसे बहस नहीं कर रहे। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ आपसे, इसलिए मैंने आपको कुछ बोला ना। तो भाई बाकी आप दिखाएंगे तो आपने ये वाली पर्ची बड़ी वाली। ओह सॉरी। अच्छा इसमें 30 रुपए क्यों लिखे? ये बाइक की है। अच्छा ये बाइक की है, तो अब जो 50 होती इसको 50 लिख दे तो ये पूरी तो एंड तक 30 30 30 चल रहे हैं। और इधर इधर आपने मार्कर से, अच्छा इधर मार्कर से सिर्फ इन्होंने 50 लिखे हैं, आगे कहीं 50 नहीं है भाई। यार भाई तू कह के मुझसे ले लेता पैसे, डबल ले लेता मेरा भाई। नहीं एक बात है भाई, तू मुझसे कह के लेता ना मुझे ज्यादा अच्छे लगते। खैर है ना, बस ये तुम्हारे लिए बहुत है बुरी बात है। अगर ऊपर से लेने हैं बेशक सारे रख लो, लेकिन ईमानदारी के रखो, है ना। आज के दौर में ईमानदारी चलती नहीं है। चलती है चलती है। देखो पेट में वही जाती है, बच्चों के भी आपके भी। अगर इस तरह करोगे ये पैसे किसी काम के नहीं आएंगे। बस मैंने जानबूझ के इसलिए पकड़ी थी कि मुझे सब पता था, पर मैंने कहा ना मैंने बहस नहीं करनी थी। मेरा तू प्यारा भाई है, अल्लाह आपको आपकी रोजी में बरकत दे। लेकिन भरता हूँ उधर कहाँ से लाऊंगा? नहीं लेकिन वही बात है ना, आप मोहब्बत में कोई आपको पत्नी कितना दे दे, लेकिन ये जो होती है ना ये दूसरे को लगती है बुरी चीजें। मैंने जब आप आए ना पर्ची आपने रखी तो मैं इस वक्त चुप हो गई थी। मैंने जानबूझ के आपको उस वक्त पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मैं आऊंगी तो उसको पैसे दूंगी, है ना। तो बस अल्लाह मियां अच्छा अच्छा करे और आप भी जरा अच्छा अच्छा करे। हाँ ले लिए, ये ले।